हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ रोहू फिश के कोफ्ते करी। इसके लिए मैंने यहाँ पे रोहू फिश ले लिया है। इसको अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने इसमें आलू भी बॉईल कर दिया है। अब मैं इसमें से सारे कांटे निकाल लूँगी अच्छी तरह से। फिर एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा मैदा और कुछ स्पाइसेस लिया, जैसे कि हल्दी, नमक, जीरा, धनिया और थोड़ा सा गर्म मसाला और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू और फिश को। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा चिली और प्याज को अच्छे से बारीक काट के इसमें डाला है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। फिर उसको हम लोग बॉईल कर लेंगे और निकाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे कोफ्ते रेडी हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मसाले वाला पेस्ट बनाया है, जिसमें जीरा, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के एक अच्छे से मैंने पेस्ट बना के रख दिया है। कोफ्ते को फ्राई करने के बाद मैंने उसी तेल में थोड़ा सा तेज़पत्ता और दो इलायची डाल के प्याज को भून लिया है। प्याज भूनने के बाद इसमें मैं वही मसाला ऐड कर दूँगी जो हमने पेस्ट बनाया था। फिर हम टमाटर ऐड करेंगे। फिर अच्छे से इसको भूनने के बाद इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। आलू को भून जाने के बाद जिस पानी में हम लोगों ने वो कोफ्ते बॉईल किए थे, वही पानी में ऐड करके इसको एक उबाल आने के लिए वेट करूँगी। आलू को बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद मैं वो कोफ्ते डाल दूँगी। फिश कोफ्ता करी रेडी हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।